ऐसी थी, मुंहफट थी बचपन से, ऐसी थी कि ये अब बड़े होकर एहसास से जिम्मेदारी? नहीं, आई थिंक हमेशा से ही ऐसी हूँ। अब मेरे अब्बा जी ने मुझे इस तरह बनाया और अब पछताते भी हैं थोड़ा बहुत। हमेशा से मुंह फटती जहाँ तक मुझे याद है। मुझे याद है जब मैं लाहौर शिफ्ट हुई थी, मैं इस्लामाबाद से हूँ, तो मेरी दोस्त मुझे जब भी किसी से मिलवाती थी वो कहती थी कि अच्छा ये लड़की बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुंह फट है, तो अगर ये कुछ कहती है तो माइंड ना करना। सबके मुंह पे कह देती हूँ जो कहना हो? बहुत ही चीज़ें नहीं कहती, लेकिन ज़्यादातर अगर मुझे कोई पसंद ना आए मैं कह देती हूँ। लाइक अगर मुझे किसी कोई बात ना पसंद आए, पसंद भी लाइक सब्जेक्टिव बात होती है, बदतमीज़ी कर रहा हो या फिर कोई ऐसी बात हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बड़ी कोई अल्लाह की गाय हूँ, नहीं हूँ। मैंने भी बहुत बदतमीजियाँ की अपनी ज़िंदगी में, लेकिन होता है ना थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट करके बंदा रोक लेता अपने आप को। अच्छा, बहुत पेट्रियार्की के ख़िलाफ़ बोलती हो। हमारे माशरे में, इस माशरे में जहाँ औरत को अभी भी वो हकूक हासिल नहीं है जिनके लिए हम तो मैं इस बात को इस तरह लेके आती हूँ कि आजकल की फेमिनिस्ट किस चीज़ के लिए लड़ रही, क्योंकि हमारे ज़माने में तो इजाज़त लेना, मॉडलिंग में आना, लड़के से बात करना, हम तो ये लड़ाइयाँ लड़के आए थे कि हाँ आप इस फील्ड में आ सकते हो, कोई इतनी बुरी बात नहीं है। आजकल का बच्चा जिसको इजाज़त भी मिल गई है, जिसका जो दिल करता है वो करता है, उसकी क्या लड़ाई है? ये कहते हैं ना कि एक तो मिसकंसेप्शंस बहुत हैं फेमिनिज्म के बारे में। कहते हैं ना कि मुझे ये एग्जांपल बड़ा यूज़ होता है, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि अच्छा अगर लड़का चपेट मारे तो वापस मार दो, ये इक्वालिटी है? नहीं है। लाइक फेमिनिज्म का ये नहीं है कि वापस उठ के चपेट मारो, इट्स बेसिकली कि चपेट मत मारो। सो अब तो खैर मेरा जो फेमिनिज्म है, मैं कि मानती हूँ कि सिलेक्टिव है। अगर मेरा फेमिनिज्म डाउन ट्रॉडन जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं और औरतें हैं उनके लिए कुछ नहीं कर रहा, तो फिर इट्स नॉट, यू नो, इट्स नॉट हाउ इट्स सपोज्ड टू बी। लेकिन वो फेमिनिज्म और सोशल वर्क नहीं, फेमिनिज्म अब इंटरसेक्शनल कहते हैं, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट वुमेन, इट्स अबाउट जेंडर माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज, एथनिसिटीज, क्लासेस। ये जो ब्रांड्स फेमिनिज्म यूज करते हैं, इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज अगेन क्लासेस का है, लोअर क्लास और अपर क्लास। आपके वर्कर्स को आप इक्वल राइट्स दे रहे हो अगर आप फेमिनिज्म की बात कर रहे हो, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट वुमेन। तो अगर होता तो इट डिफीट्स द होल पर्पस। अगर हम सिर्फ इक्वालिटी लेके बैठ जाएं और बाकी सारों को कहें अच्छा रहने, तो कोई फायदा ही कोई फायदा। लेकिन मेरा फेमिनिज्म एक सर्टन क्लास को कैटर करता है, मदद करता है सर्टन क्लास की लड़कियों को। अब कितनी जंग तुम लड़ सकती हो? एक ही जंग लड़ोगी ना? एक ही जंग, बट फॉर मी टू बी अ फेमिनिस्ट आई नीड टू गिव अप द लाइफस्टाइल दैट आई हैव। और मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत डर लगता है। किस चीज से? ये लाइफस्टाइल गिव अप करने से। मैं चाहूँ मैं छोड़ दूँ और मैं अपना सारा टाइम वहाँ दे दूँ, लेकिन आई एम स्केयर्ड। अब मुझे है कि अच्छा मैंने अपनी जिंदगी ये नहीं है कि I'm scared to give up the comforts of my life. Yeah. And ये नहीं होना चाहिए। तो अभी आप समझती हो you're not a true feminist? I think I have a long way to go. And hopefully, inshallah, कभी ज़िंदगी में मैं हो सके कि मैं ये छोड़ के जरा लोगों की। अच्छा, अपने करियर के बहुत शुरू में, 2 साल हुए आपको अभी आए हुए? I think 3 साल हो। 3 साल हुए, ठीक है। आपने अपना नाम तो बना लिया और आप एक हमारे मुल्क के जो सबसे बड़े अवार्ड्स होते हैं उसके लिए आप चुनी भी गई, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है कि उसका अवार्ड मिलना आपके करियर के शुरू में और आपका नॉमिनेट हो जाना, ये बहुत बड़ी बात। बट यू टुक अ स्टैंड अगेंस्ट सेक्शुअल हरासमेंट। डर नहीं लगा कि मैं इतना बड़ा, इतने बड़े प्लेटफॉर्म से पंगा ले रही हूँ? मुझे इनिशियल, मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा नहीं था, मैं कभी भेजती नहीं थी, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि नहीं इसको देना चाहिए। ओके। बिकॉज मैं इतनी पैशनेट नहीं हूँ इस काम के बारे में जितने मैं और लोगों को जानती हूँ, देखती हूँ, ठीक है। मैं असल में नहीं हूँ, मैं प्रिविलेज इंसान हूँ काफ़ी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं नहीं हूँ। मैं देखती हूँ कोई लोग जो यू नो लाइक वर्किंग क्लास से आते हैं, मेहनत करते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं, आई फील एज दे डिजर्व इट मोर, राइट? तो उन्होंने मुझे नॉमिनेट कर दिया, तो फिर मैं नॉमिनेट काफ़ी खुश हुई। फिर मैं देख रही थी सारे वो नॉमिनीज, तो फिर मुझे नाम नज़र आए जो मेरे साथ यू नो दे डिडंट एग्री, आई कुडंट लाइक व्हाट क्या कहेंगे, बस
उनके साथ स्टेज शेयर करना, स्टेज नहीं, एक जगह मैं बस सोची थी कि लास्ट ईयर में भी के बारे में थी सारी लक्स स्टाइल अवार्ड्स व्हिच इज उर्दू वर्जन ऑफ मी टू मूवमेंट. तो ऑब्वियसली एक लिप सर्विस थी, कुछ फॉलो अप नहीं किया, क्लियरली कुछ नहीं किया. मैंने अपनी दोस्त है, मेरी दोस्त, आई मैसेज हर, मैं उसको मैसेज किया, मैंने कहा ये है तो मैं नहीं कर सकती. तो उसने मुझे समझाया कि देखो या तो फिर तुम ये कर लो और ये लोगों को कह दो, या फिर तुम चली जाओगे, तुम्हारा दिल है. तो फिर आई डिसाइडेड नॉट टू गो. और कोई इसका फीडबैक क्या मिला? बैकलैश भी मिली और सपोर्ट भी बहुत मिला, सारी सपोर्ट औरतों से मिली. और औरतों ने और द स्केचेस अपोज भी बहुत किया. अपोज किया, मुझे गुस्सा नहीं है, बिकॉज इट वही बात है ना, आपकी आपके भी एजुकेशन पे डिपेंड करता है. I have been privileged enough to study in a good institution. किसी की एजुकेशन बिल्कुल और होती है, किसी की कोई अपब्रिंगिंग और होती है, अपब्रिंगिंग और होती है. तो मेरा अगर होते, मैं इसलिए जो लोग मुझे गालियाँ गलोच करते हैं और मुझे बुरे अल्फाजों से पुकारते हैं, मैं कभी लड़ती नहीं हूँ उनके साथ, मैं उनके साथ कॉन्वर्सेशंस करती हूँ. Try to convince them. Convince your point नहीं, of view. बस एजुकेट, मैं ये बताऊंगी, आगे उनकी मर्जी है, उनको भी लगता होगा मुझे एजुकेट कर रहे हैं. बिल्कुल सही है. I mean, गालियों से नहीं, जो लोग मुझे बाकी और आर्ग्यूमेंट देते हैं, लाइक तहजीब से बात करते हैं, जो कि कम है, कम है लेकिन है. तो मेरा हमेशा ये होता है कि मैं बस उनको बताऊंगी कि ये मसला है, ये सोल्यूशन है, ऐसे हम ये कर सकते हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, बस. तो मी टू मूवमेंट के बारे में आप क्या आपके क्या ख्याल आते हैं कि हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए जब कोई लड़की उठती है, बाहर निकलती है और बताती है कि मेरे साथ हरासमेंट हुई और उसका हमारे पास कोई सबूत नहीं, हमें क्या रिएक्ट करना है? सबूत मुझे बताएं कि लाएं कैसे. कोई तरीका नहीं, सबूत लाएं कैसे? अभी बड़े मैं सबूत कैसे लाऊं कि मेरे साथ हरासमेंट हुई भी है सड़कों पर? कह ही सकती हूँ ना. तो अगर 20 औरतों में से 2 झूठ बोलती हैं, मैं फिर भी बिलीव करूँगी. मैं भी, मी टू. मेरा भी यही स्टांस है कि औरत के लिए इस माशरे में निकल के कहना ही इतनी बड़ी बात है कि जब आपको पता है कि आपके साथ होनी क्या है उसके बाद, और अगर औरत भी औरत का साथ नहीं दे रही है तो फिर तो औरत पिसती ही रहेगी. जो बात सही है. अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडी भी की, औरत नाक, वो क्या एक्सपीरियंस था? मैं नहायत ही बुरी स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, लाइक आई एम वेरी बैड एट इट. मेरी दोस्त ने कहा था कि आज जो हम लोग कर रहे हैं, मुझे 2 दिन पहले बुलाया था शो से, तो मैं आ गई, मैंने जल्दी से कुछ लिखा, मैंने किया, जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, तो मैं बस जो भी लिखती हूँ, जो भी सोचती हूँ, जो भी याद किया होता है, ब्लैंक, भूल जाती हूँ, सारा भूल जाती हूँ. क्या हुआ था? हाउ वाज़ द रिस्पॉन्स? लोग नहीं हंसे, मैं वहाँ पागलों की तरह बोलती रही, लोग हंसे ही नहीं, जो सही था. आई मीन, अगर मैं भी ना हंसूँ अपने जोक्स पर, अगर वैसे होते तो कितनी दफ़ा की ट्राई की? तो मैंने आई थिंक 5 दफ़ा, फिर मैंने कहा बस मैंने नहीं और कोशिश करनी, और शायद कर लूँ आगे जाके अगर मेरा कॉन्फिडेंस यू नो थोड़ा बिल्डअप हो जाए. कर लोगे तो मुझे लगता है. यू हैव सो मच टू से. मुझे ये बताओ कि कितने बहन भाई हो? एक बड़ी बहन है और एक बड़ा भाई है, सबसे छोटी. तो आप सबसे वक्री हो फैमिली में कि बाकी भी ऐसे ही हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मेरी तरह नहीं है. वो लोग थोड़े से रिजर्व्ड हैं. सबसे छोटी हो फैमिली? सबसे छोटी हूँ. तो इस यही वजह है कि पटाखा बन गई? हाँ, मैं तो आ रही हूँ, मेरे अब्बू ने मुझे ख़राब किया है. अब्बू ने क्या कहते थे, क्या सिखाते बस बहुत थे? नहीं, बहुत. उन्होंने कहा कि तुम अगर तुम्हारे, मैं स्कूल में बड़े मसलों में पढ़ती थी बहुत ज़्यादा, तो मेरा स्कूल था भी बहुत प्रॉब्लमेटिक. वो लोग, उनका ये मसला था कि अच्छा अगर लड़की हैंडल नहीं हो रही तो
निकाल दो, झूठे इल्जाम लगा दो, निकाल दो, ये भी हाँ बहुत हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से तो बहुत प्रॉब्लमैटिक है, उसमें तो मैं जाऊंगी भी नहीं अभी। अब्बू कहते थे कि व्हाई डोंट यू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, घर में कुछ हो, फैमिली में कुछ हो, बाहर हो, कहीं भी, व्हाई डोंट यू। And then I started, and then I never stopped. और अब्बा बस अब्बा कहते हो ये मैंने क्या सिखा दिया, क्या कर दिया मैंने। तो ये जो फील्ड तुमने अपने लिए शोबिज की चूज की, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पेरेंट्स की तरफ से? आजकल की लड़की को क्या ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? करनी पड़ती है, I'm sure करनी पड़ती होगी, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं ज़्यादा की थी। मेरे अब्बा अम्मा के, मेरे अब्बा तो कहते थे कि फाइटर पायलट बन जाओ, ओके, रेसलर बन जाओ, मैं मॉडल बन गई। तो प्राउड है मेरे से। जब मैं अपना पहला चेक लाई ना, मैंने कहा, मैंने चुपके से जाके, मैं अमीर घराने से नहीं हूँ, मैंने जो किया है खुद किया है, मैं लाइक कंफर्टेबल हो, मैं कंफर्टेबल हूँ, थे नहीं लेकिन वी वॉज